कोरोना के कहर से कोई भी अछूता नहीं रहा। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर किसी के दिल में खौफ है। इसी को लेकर हमने बच्चों से बात की, क्योंकि इस वक्त सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। 10th और 12th के बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं और यहाँ पर कई सारे बच्चे आते हैं। इसे लेकर सीबीएसई ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिनके हिसाब से हर एक एग्जाम सेंटर में सैनिटाइजर दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को सैनिटाइजर यूज करने से या फिर मास्क लेकर आने से मना नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, एग्जाम सेंटर्स में क्लासेस में जितने भी बच्चे होंगे उन सभी की संख्या कम कर दी जाएगी, ताकि बच्चों में तकरीबन 1 मीटर का फासला रहे। इस सारी गाइडलाइंस को लेकर हमने बच्चों से बात की और उनसे जाना कि क्या वो चाहते हैं कि इस आगे वाले एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्या कोरोना का उनमें कोई भी डर है या फिर ये सारी गाइडलाइंस सारे सीबीएसई एग्जाम सेंटर्स में फॉलो की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि बच्चों ने क्या कुछ कहा। आपको जहाँ पर आपको बिठाया गया था वहाँ पर कितने बच्चे थे? 17। तो इससे पहले के जो एग्जाम्स हुए थे उनसे ज्यादा बच्चे बैठे थे या उनसे कम बच्चे? कम बच्चे बैठे थे इस बार। आपको सैनिटाइजर्स वगैरह दिए गए वहाँ पर? आप मास्क वगैरह लेकर गए थे? नो मैम, नहीं लेकर गए थे। ओके, आपके क्लास में अगर कोई भी था जो मास्क लेकर गया तो उसे मना तो नहीं किया गया ले जाने? आप जहाँ पर बैठे थे एग्जाम सेंटर में अपनी क्लासरूम में, वहाँ पर ज्यादा बच्चे थे या कम बच्चे? उतने ही थे जितने पहले थे। नहीं थे, कुछ कम नहीं किया बच्चे? नहीं करे, एक्चुअली सी कम थे, उड़ाए नहीं थे, फर्स्ट रो जगह बना दी थी। नहीं, फर्स्ट रो हट गई थी, फर्स्ट रो वाले थे वो एक कम की, एक रो कम की, बाकी सारे हाँ एक रो कम। थोड़ा डिस्टेंस था दोनों बच्चों के बीच में। तो आप लोगों को सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किया गया? नहीं नहीं, सीबीएसई की गाइडलाइन है कि बच्चों को सैनिटाइजर्स दिए जाएंगे तो वो नहीं था यहाँ पर? नहीं, आप लोग खुद सैनिटाइजर्स लेकर गए थे? हाँ। मना तो नहीं किया गया? मना नहीं किया गया। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप लोग जिस क्लासरूम में बैठे थे वहाँ पर कितने बच्चे थे? इस बार थोड़े कम बच्चे लगे आपको पहले से? नहीं, हाँ, क्योंकि एडजस्ट हो जाता है ना, एक क्लास में मिनिमम बच्चे बैठते ही हैं तो दूसरे स्कूल के बैठा देते हैं ऐसे कुछ। तो क्योंकि इस बार सीबीएसई कोरोना वायरस को लेकर सीबीएसई की गाइडलाइंस आई है कि इस वाले एग्जाम में, इसके बाद जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी में बच्चों की जो अटेंडेंस है वो कम कर दी जाए, लाइक कम बच्चे बिठाए जाए। बट आपकी क्लास में ऐसा नहीं किया गया? फुल सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए गए आपको? नो नहीं। No, बहुत कंजूस स्कूल है। तो आप लोग सैनिटाइजर वगैरह लेकर गए थे वहाँ पर? नहीं, हमारे पास भी पैसे नहीं है। तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग के एग्जाम्स जो है वो आगे पोस्टपोन कर देने चाहिए, क्योंकि वायरस जो है जिस तरीके से फैल रहा है उस वजह से क्या आप लोग थोड़े से भी डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे नहीं, और पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम बहुत थक गए पढ़ पढ़ के। मैथ्स का पोस्टपोन कर देते हैं, हमें सिर्फ 3 दिन मिले थे, पर बीएसटी के लिए 1 हफ्ता हमें पोस्टपोन नहीं करना है, हम थक गए पढ़ के। तो वैसे भी लास्ट है, पोस्टपोन क्यों करना है, खत्म हो जाए जल्दी से, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, तो कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को अंदर कितने स्टूडेंट्स थे आपकी क्लास में? मेरे क्लास में मेरे तो 14 है मैथ्स में। मैथ्स एज इन जो इस क्लास में आप बैठे हुए थे वहाँ पे इससे पहले जितने बच्चे बैठते थे उतने ही आज भी बैठे हुए थे या कम बच्चे बैठे? आज ज्यादा बैठे हुए थे। हाँ, क्योंकि सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उसमें ये कहा है कि अब बच्चे कम बैठने चाहिए क्लास में, एटलीस्ट 1 मीटर तक का डिस्टेंस होना चाहिए। तो कितने पास आपका दूसरा बच्चा बैठा था? वो मतलब था, मतलब नहीं, मतलब थोड़ा था दूर में था। सैनिटाइजर दिया गया था आपको अंदर एग्जाम सेंटर पे? बच्चे लेकर आए थे। अच्छा, क्या लगता है कि आगे एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए इस कोरोना वायरस की वजह से? ना, और नहीं पढ़ सकते अब, एक बार कर दो खत्म। कोरोना वायरस तो पता है क्या चल रहा है अभी, तो उससे डर लग रहा है? नहीं नहीं, इतना डर नहीं है, बस ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को सेफ रखें, मतलब सारे जितने भी मेजर्स हैं वो सब लें। तो आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हो? हाँ। आपको अंदर ले जाने के लिए मना तो नहीं किया गया? नहीं नहीं नहीं। आपके बाकी फ्रेंड्स कोई लेकर गए थे उन्हें मना तो नहीं किया? नहीं। अंदर आपको सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए गए एग्जाम सेंटर पे? प्रोवाइड नहीं किए गए, मतलब ये था कि जब पेपर खत्म होगा तब आप क्या बोलते हैं एक बार वॉशरूम में जाएंगे और अपने हैंड वॉशेस करेंगे बस। ये मेजर्स लिए जा रहे हैं? ओके, और फेस मास्क वगैरह जो मास्क लगाकर बच्चे जा रहे हैं उन्हें किसी को मना तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं। आपके क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए थे आज? आज 21 to 22। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इतने बच्चे बैठे थे या कम बैठे? सेम सेम, सारे पेपर्स में सेम। तो आपको क्या लगता है अब आप लोग के एग्जाम्स जो है आगे वो पोस्टपोन कर देने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, जिस तरीके से जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं वो इतनी काफी हैं अभी? पेपर्स ऑलमोस्ट सबके, शायद 1 ईयर एक एक ही बचा है शायद सबका, साइंस कॉमर्स आर्ट्स वालों का। तो आई थिंक अगर हम सही से इस्तेमाल करेंगे मेजर्स का तो पेपर कैंसिल नहीं होने चाहिए। क्योंकि अभी कोरोना वायरस जिस तरीके से हो रहा है तो उससे डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा क्योंकि अभी नोएडा में इतने केसेस हैं नहीं, बट हाँ प्रिकॉशन, आज 3 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं अब नोएडा में, तो प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। बट हम सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हो? या यूज कर रहे हो? और
और आप लोगों को अंदर सैनिटाइजर्स दिए जा रहे हैं अगर सेंटर की बात करें? नहीं एक्चुअली हमें हाँ वहाँ रखा हुआ था टेबल पे, बट ऐसे किसी को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज सब मतलब वॉशरूम होके हैंड वॉश वगैरह करके आए थे, अनाउंसमेंट्स वगैरह हो रही थी कि प्रिकॉशंस लीजिए एंड ऑल। तो आप जिस क्लास में बैठे हुए थे वहाँ पे इससे पहले जो एग्जाम्स हुए उसमें भी उतने ही बच्चे बैठे थे जितने आज थे या फिर आज कुछ कम थे? एक्चुअली आज ज़्यादा थे, मतलब ऑर्डर चेंज था बिकॉज आज नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट्स ज़्यादा है। आई एम फ्रॉम PCM, सो फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब मेरी सीट का ऑर्डर अलग था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अलग अलग ज़्यादा थे। बट क्योंकि CBSE की जो गाइडलाइंस आई है उसमें ये कहा गया कि आज के बाद जितने एग्जाम्स होंगे और आज का जो एग्जाम्स है उन सभी में बच्चों की जो बच्चे होंगे उनको कम कर दिया जाएगा, मतलब एक क्लास में कम बच्चे बैठेंगे, उस हिसाब से आज नहीं हुआ? आई डोंट नो अबाउट दिस गाइडलाइंस, आज नहीं हुआ। उतने ही बच्चे बैठे थे। तो आपको क्या लगता है गाइडलाइंस जितनी दी जा रही हैं जो ये मेजर्स हैं वो ठीक है या फिर आपके एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहिए जब तक ये पूरा वायरस जो है खत्म ना हो जाए, हमें कोई सही यू नो मिल ना जाए मेडिसिन? मेरे एग्जाम्स ओवर हो गए सो मतलब मुझे कुछ मतलब नहीं। आपके जो एग्जाम सेंटर था जहाँ पर आप बैठे हुए थे आपके क्लासरूम में कितने बच्चे थे? कुछ 20 बच्चे। मतलब पहले के जो आपने एग्जाम्स दिए थे उनसे कम बच्चे थे या ज्यादा थे? नहीं स्पेशियस भी था और कम भी थे शायद। कम भी थे इस वाले एग्जाम में? हाँ इस वाले में कम थे क्योंकि CBSE की गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से। और आप लोगों को मास्क अंदर ले जाने से मना तो नहीं किया गया? नहीं बिल्कुल नहीं किया। हैंड सैनिटाइजर्स दिए गए आपको? नहीं मतलब हम खुद लेके गए और अलाउ किया गया था। वहाँ पे अलग से सेंटर में कोई भी सैनिटाइजर्स नहीं दिए हुए? नहीं पर सोप रखा हुआ है वॉशरूम में।